के लिए हजारों लोग सड़कों पर उतरे हैं, हजारों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, पदयात्रा निकाल रहे हैं। पुलिस आरोपी को नहीं कर पाई अभी तक अरेस्ट। तो चेरी काउंटी से लोग पदयात्रा निकालते हुए नजर आ रहे हैं, तो पुलिस आरोपी को अभी भी पकड़ नहीं पाई है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, चेरी काउंटी से लोग पदयात्रा निकाल रहे हैं। तो ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर, जहां पर गौरव चंदेल हत्याकांड का ये पूरा मामला, लेकिन इस पूरे हत्याकांड में अभी भी पुलिस के हाथ खाली हैं। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, ग्रेटर नोएडा की ये तस्वीरें, यहां पर साफ तौर पर आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में हजारों लोग सड़कों पर उतरे हैं, प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ग्रेटर नोएडा से ये तस्वीरें, जहां पर गौरव चंदेल हत्याकांड का ये पूरा मामला है, इंसाफ के लिए हजारों लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, हजारों लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, पदयात्रा निकाल रहे हैं। यूनुस हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए। यूनुस, क्या कुछ जानकारी आपके पास, पुलिस का क्या कुछ कहना है, अभी तक पुलिस के हाथ खाली क्यों है? जी मनीष, मैं आपको बता दूं, ये 7 जनवरी का मामला है, जब गौरव चंदेल अपनी कंपनी से घर लौट रहे थे, रास्ते में इनकी लूट के बाद हत्या हो गई थी। इस बात का पुलिस अभी तक 5 दिन हो गए और खुलासा नहीं कर पाई है। इसी बात से नाराज ग्रेनो वेस्ट के लोगों ने आज एक मार्च किया है, जिसे सुरक्षा को लेकर और केस के खुलासे और हथियारों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर इन लोगों ने आज भारी मात्रा में मार्च निकाला है। तस्वीरों में भारत समाचार के दर्शक साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से न्याय के लिए जन सैलाब उमड़ा है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश। गौरव चंदेल की हत्या के बाद जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त नोएडा एक्सटेंशन पे भारी तादाद में जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरे हैं। सीधा सीधा सबका यही कहना है कि हत्यारों को पकड़ा जाए। घटना के आज 5वां दिन है, लेकिन उसके बाद भी एक भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हो पाया है। दूर तक आप अगर देखें तो काफी हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए, जस्टिस की मांग कर रहे हैं कि आखिर इतना वक्त हो गया है, अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। बहुत से लोग निकल रहे हैं, इनसे बात करते हैं, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। अभी तक हुई नहीं सर गिरफ्तारी, और इसी शहर में बहुत क्राइम बढ़ गया है, कोटरवा वेस्ट में रात को निकलना बहुत मुश्किल हो गया है, हर सोसाइटी में चोरियां भी बहुत रोज हो रही हैं, और जब मर्जी गाड़ियां उड़ जाती हैं सर। बिल्कुल, आज अभी तक पुलिस किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर पाई है, इसीलिए हम आज सड़कों पे हैं। पुलिस ने अभी तक कुछ भी किया नहीं है, उसके लिए गिरफ्तारी नहीं हुई है, हमें कोई सिक्योरिटी के लिए कोई आश्वासन नहीं मिला है, तो हम इसीलिए आज सड़कों पे हैं। देखिए हम बिल्कुल लोग सड़कों पर हैं, बहुत से लोग जो हैं, आप लोग सब इकट्ठा हुए हैं, क्या मांग कर रहे हैं? हम मांग यही कर रहे हैं कि सबसे पहले तो अपराधी पकड़े जाए। अब ये बता रहे कि हमने इनको जो है सस्पेंड कर दिया, सस्पेंड से परिवार को क्या मिला? ये पुलिस अपना काम ईमानदारी से कर नहीं रही है। पुलिस ने इतनी बेशर्मी पे है, पुलिस की निहत्तों पे बेरोक, उनके काफी वक्त होने के बावजूद भी अभी तक जो है गिरफ्तारी ना हो पाना कहीं ना कहीं पुलिसिया जो है प्रणाली पे सवाल या निशान खड़ा करता है कि इतने दिन होने के बाद भी आखिर आरोपी क्यों नहीं गिरफ्तार हुए और क्यों आखिर घर वाले मजबूर हैं प्रोटेस्ट करने को। कैमरा पर्सन साजिद के साथ दानशरीफ, भारत समाचार, नोएडा। दानिश हमारे साथ, हमारे संवाददाता, और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। दानिश, क्या कुछ कहना है इन लोगों का, और पुलिस का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है? आखिर अभी तक 5वां दिन है, पुलिस के हाथ खाली क्यों अभी तक? देखिए कहीं ना कहीं पूरे मामले में पुलिस बैकफुट पे है, क्योंकि पुलिस ने अभी तक एक भी आरोपी गिरफ्तार नहीं कर पाया और ना ही किसी को आइडेंटिफाई कर पाए हैं। लगातार आईजी पीड़ित परिवार से मिले, एडीजी मिले, कप्तान भी मिलकर गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी कोई फायदा नहीं हुआ। एक भी आरोपी अभी तक आइडेंटिफाई नहीं है। इसी लिंक को लेकर कल जो गौरव संदेह है, उनका जो बेटा है, उसने अपील करी थी कि हाँ यहाँ पदयात्रा निकाली जाएगी। उसमें सबसे बड़ी बात, हजारों लोग यहाँ पर इस वक्त जो हुजूम है, तस्वीरें भी देख सकते हैं कि हजारों लोग एक साथ पदयात्रा चेरी काउंटी से निकाली और जो बोर्ड स्टेडियम है वहां तक जा रहे हैं। बहुत शांतिपूर्ण ढंग से जो रोड है उसके किनारे जो सर्विस लेन होती है वहां से ये पदयात्रा शुरू हुई। हजारों लोग अब जो है यहाँ पर गौर सिटी जो स्टेडियम है वहां जा रहे हैं और वहां पर एक शोक सभा का जो है आयोजित किया गया है, वहां पर शोक सभा भी कर जाएगी। जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद है सबकी जुबान पर सिर्फ एक ही बात है कि आखिर अभी तक जो हत्यारे थे उनको पकड़ा क्यों नहीं गया? कार थी उनके पास, कार में लूटी गई थी, लूटने के बाद हत्या करी गई थी, उस कार की कोई बरामदगी नहीं हो पाई है। तो जो पुलिस का जो ढीला रवैया है उसी के खिलाफ यहाँ पर जो आक्रोश है वो देखने को मिल रहा है। लोग घरों से निकले हैं और सीधे 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 एक मांग कर रहे हैं कि उनको जस्टिस चाहिए, गौरव चंदेल के जो हत्यारे हैं उनको पकड़ा जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, जिससे कम से कम जो
शहर के अंदर अपराध हो रहा है और पुलिस सुनती नहीं है तो उस पर लगाम लगाई जा सके। जी दानिश आपसे जानना चाहेंगे, पुलिस के हाथ में सुराग क्या कुछ लगा है, क्या कोई सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ अभी तक नहीं लगा है और क्या वजह है कि अभी तक इन आरोपियों को पुलिस पकड़ नहीं पाई है? देखिए पुलिस का अभी तक सिर्फ उसमें रटा रटाया बयान है कि हम आरोपियों के बहुत करीब हैं, लेकिन अभी पुलिस कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। लेकिन पुलिस ने उनके परिवार को भी कुछ नहीं बताया, जिससे परिवार वाले अभी भी जो है गुस्से में। उनका कहना है कि हाँ अगर कुछ पता भी लगा तो उनको बताया जाए, लेकिन पुलिस की जांच चल रही है, इसलिए पुलिस ने अभी कोई भी चीजें बोली नहीं है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि हाँ पुलिस के हाथ में कुछ ऐसे हिंट जरूर लगे हैं जिससे घटना का से पर्दा उठ सकता है। लेकिन पुलिस बहुत सक्रियता बरत रही है, गंभीरता बरत रही है और गोपनीयता बरत रही है, जिससे कहीं कोई बात लीक ना हो जाए, आरोपी उनके हाथ से निकल ना जाए। लेकिन हाँ ये जरूर है कि हमसे परिवार वालों को जरूर बताना चाहिए कि आखिर क्या कार्यवाही चल रही है। और रही बात सीसीटीवी फुटेज के, सबसे बड़ी बात नोएडा प्राधिकरण दावा करता रहता है, जो ट्रैफिक दावा करती रहती है, नोएडा पुलिस दावा करती रहती है कि पूरा शहर जो है सीसीटीवी कैमरों से लैस है, हर जगह हम जो है सीसीटीवी लगाए हैं, लेकिन इस घटना का एक भी सीसीटीवी फुटेज अभी तक पुलिस को नहीं मिला, जिससे साफ जाहिर होता है कि दावे सिर्फ और सिर्फ जमीनी हकीकत नहीं होती, सिर्फ खोखले होते हैं। तो ये सारी चीजें, पुलिस की जो कमियां हैं वो सामने उजागर हुई है और आज शायद यही वजह है कि हजारों लोग अपने घरों से निकले हैं और इस तरीके से पदयात्रा कर रहे हैं। दानिश, इस पूरे मामले पर परिवार वालों का क्या कुछ कहना है, क्या किसी के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया है? देखिए परिवार वालों ने किसी पर भी आरोप नहीं लगाया है, परिवार वालों का सीधा कहना है कि घटना का खुलासा होना चाहिए, क्योंकि मामला ये आपकी रंजिश का नहीं, ये मामला लूट के बाद हत्या का है, लिहाजा आरोप किसी के ऊपर नहीं लगाया गया, ना ही किसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया, सिर्फ और सिर्फ अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। परिवार अभी भी इस हालत में नहीं है कि हाँ वो ज्यादा बात कर सके, तो ये कहना मुश्किल है कि हाँ ये कोई रंजिश था, ये सीधा लूट और हत्या का मामला है और उसको पुलिस खोल नहीं पा रही है, जिसकी नाराजगी यहाँ पर आप सड़कों पर देखने को मिल रही है। दानिश जानना चाहेंगे आपसे, जो लोग सड़कों पर उतरे हैं, एक बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर देखे जा सकते हैं, क्या कुछ मांग कर रहे हैं लोग? यही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो आरोपी है उनको गिरफ्तार किया जाए, कार बरामद की जाए और पूरे मामले से जो है पर्दा उठाया जाए कि आखिर किन हालातों में रात में जो है उनको हत्या करी गई, किस कैसे लूट करी गई, क्योंकि इसमें एक पहलू और भी निकल के आया था कि हाँ चेकिंग के नाम पर वो गाड़ी रोकी गई थी और वो जो है बदमाश वर्दी में थे, तो ये बात सामने जरूर आई थी, लेकिन वो आइडेंटिफाई कोई नहीं कर पाया, क्योंकि ये पूरा ब्लाइंड मामला है। हाँ। तो ये चीजें आगे जब बढ़ेंगी, जब जांच बढ़ेगी और आरोपी गिरफ्तार हो गए, क्योंकि जो शख्स था जो इसकी पूरा बेन आदमी था वो अब यहाँ पर रहा नहीं, मौत हो चुकी है, तो इसके अलावा ये कहना मुश्किल है कि आखिर घटना को अंजाम कैसे दिया गया। लेकिन हाँ ये जरूर बात होती थी कि पुलिस की वर्दी में बदमाश थे, चेकिंग के नाम पर गाड़ी रुकाई गई थी और उसके बाद लूट और हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। अब यहाँ से जो लोग किसी से भी यही मांग कर रहे हैं, किसी भी तरीके से आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, पुलिस उनको गिरफ्तार करे और सख्त से सख्त सजा दिलाए। दानिश, क्या आपने किसी आला अधिकारी से बात करने की कोशिश की, क्या कुछ कहना है, उनका लापरवाही क्यों बढ़ती जा रही है इस पूरे मामले पर? देखिए जो अधिकारी है उनसे हमारी बात हुई, वो यहीं पर अभी मौजूद है, उनका कहना है कि हाँ जिन अधिकारियों ने लापरवाही बरती थी हमने उनके साथ कार्यवाही करी है। यहाँ पर जी चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दानिश। और अब सीधे लेके चलेंगे आपको लखनऊ, जहां पर युवा महोत्सव का कार्यक्रम